सॉस पेन हो गया। अब इसमें मान चलिए कि हम लोग जो चाय पिए हैं, ये चाय हम इसके अंदर बनाएंगे या इसमें कोई तड़का लगाएंगे या इसमें दूध उबालेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ये आपको, पक्का मिलेगा। अल्मोनियम में उबालो देखो क्या बेनिफिट मिलता है, वो तो मैंने गैस्ट्रिक होएगा ही, वो आपका पक्का होएगा। तो इस तरह की बातें हैं, आप आओ, हमें वहीं पहुंचना है जहां से हम लोग उठे थे। बिल्कुल हम लोग अपना बिल्कुल रास्ता छोड़ के खाना पीना कपड़ा भोजन पिज्जा बर्गर हमारे खाने की चीज है, फर्स्ट क्लास हमारा आटा क्लाइमेट के अनुसार यही दाल रोटी चावल ही स्वस्थ है। अरे फर्स्ट क्लास का आटा ताजा ले आइए, पिसवा लीजिए, घर में बना लीजिए आटा और ताजा चूल्हे से बनाइए और खाइए। बर्गर ब्रेड ये कोई सड़ा गला के लोग चीज बनाते हैं, हमें बीमारी नहीं पालेगा तो क्या करेगा। बिल्कुल हम लोग सही अपना सब साइड छोड़ करके हम लोग दूसरे साइड पर पहुंचते पहुंचते हाई लेवल पर जब पहुंचे हैं तो हमने पाया क्या है कि 40 साल 50 साल पे हम मरने लगे हैं और उधर लोगों, कुछ नहीं है, अब कुछ सबको नहीं यू है। टर्न करके अपनी यस रूट्स पे वापस रूट पे आना आना है, है जड़ पे आना है जी जहां से जी सब लोग हमारे जी पूर्वज जी शुरू जी हुए जी थे। हमें गर्व है उन समझदार लोगों पे जो कि आज के डेट में जो वहां से वापस आए हैं, सब शिक्षित बड़े बड़े ओहदे के लोग जिसमें हाँ डॉक्टर वगैरह वगैरह सारे शामिल सब हैं, है उनको ये नॉलेज हो गया है कि भाई वो जमाना था, हकीकत था, जो कि 100 साल 125 साल लोग जीते थे। और हमसे जो अधिकतर जुड़ रहे हैं अभी गांव में, अगर जो हम गांव में इस बात को कहें, गांव में अभी लोग बहुत पीछे हैं। हम अगर जो कहें कि आप इसमें दाल बनाओ चावल बनाओ तो गांव के लोग मानने को भी तैयार नहीं है, बोलते अभी वो ऊपर जा रहे हैं, अभी वो कुकर हमारे घर राजेंद्र में जी कुकर आ जाए फ्रिज आ जाए, इस तरह के उनके अंदर उत्साह है। मगर जो ये शहरी सब लोग हैं उनको जी समझ आ गई है कि आगे आगे कुछ नहीं है, पीछे मुड़ के आना है। जी। और राजेंद्र जी आप हैरान होंगे, जितने भी बड़े होटल हैं, क्या ताज, क्या मौर्य, अशोका, इनके रेस्टोरेंट्स में हांडी की दाल लोग कितने कितनी महंगी खर्च के और उधर बड़े स्वाद से खाने जाते हैं, बताइए तो क्यों नहीं हांडी की दाल घर पे बनाए और वो स्वाद उसका भी लें और स्वास्थ्य भी ठीक रखें। इतनी अच्छी कि आपको मैं बताऊं, हांडी की दाल में अब इतना दूर जाने की और 500 और 5-5 हजार की कटोरी का दाल हम क्यों खाएंगे। हमारे यहाँ आओ या और जगह से कहीं से खरीदो, एक हंडी ले लो 150-150 की, अब कितना कमा लेंगे आपसे। हाँ फिर बिल्कुल भी अगर जो आपके पास सारा धन रह भी क्या करेगा कि अपना का स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा। बिल्कुल हम जब अगर जो कीचड़ से और मिट्टी को गूंथ गूंथ के बना लिए, अगर जो हम 2 रुपया फालतू आपसे ले रहे हैं तो कोई वो कोई गड्ढे कोई गड्ढे में क्या, नहीं फेंक रहे हो, हाँ हमारा और आपको मनोबल बढ़ा रहे वो हैं। मनी वेल स्पेंड है, जी हाँ वो मतलब बिल्कुल कारगर जी है वो कारगर है पैसा। और आपके घर में पैसा है, हम हाँ कहीं बाहर थोड़े दे रहे हैं। बिल्कुल तो आप इस पॉइंट पे भी आओ ना कि हम 2 रुपये फालतू दे के दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप 2 रुपये फालतू दे रहे हैं। आप प्रेशर कुकर का भोजन खाते हो या अल्मोनियम का दाल खाते हो या दूसरा मेटल का खाते हो तो बीमारी कितनी बढ़ाते हो आप, ये तो देखो आप। तो इस तरह से मैम हमको वहीं आना है जहाँ से हम उठे थे, और हाँ हमारे इतनी सुविधा दे रही है हमारी गवर्नमेंट को, देख लीजिए हर तरफ से हर गांव में बढ़ावा दे रही है हमारी गवर्नमेंट की, भाई आप इस काम को करो, ऐसे उत्साह करो, ऐसे करो, मगर हम लोग समझते नहीं है ना। नहीं अब समझने लग पड़े हैं काफी, जितने भी जी ज्यादा समझदार और पढ़ाई में आगे गए उनको समझ आ गई जी कि ये सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं है, ये साइंटिफिक भी है। जी ये है जितने भी बर्तन हैं सिर्फ एनवायरनमेंट को तो सेव कर ही रहे हैं हम, पर ये साइंटिफिक भी है। अब देखिए हमारे जो दिल्ली में है वीरेंद्र सिंह जी वगैरह वगैरह, यानी इतने लोक प्रचारक बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं, कितने कितने घंटों अपना टाइम बर्बाद कर करके और लोगों को बताते हैं। हमारे यहाँ राजीव वीरेंद्र सिंह जी कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने एक बोतल के ऊपर अपना बताया, विचार व्यक्त किया, वो लोगों के यहाँ तक पहुँचा भी होगा। तो बहुत लोग प्रयास करते हैं समझ रहे ना, और हमें तो खुशी होता है ऐसे लोग आते हैं तो हम चाहते हैं, हम यहाँ पे जंगल है आके देखो आप, यहाँ कोई घर नहीं है, पेड़ पौधे हैं, इसके बीच में मैं बनाता हूँ, आप देख के जाओ यहाँ देखना बहुत कितना बिल्कुल एकांत नेचुरल की जगह है, एकांत तो है। ये सारी जो एकांत की वो भावना है, वाइब्रेशंस है, जी। वो भी सब इन बर्तनों में अपने आप फील आप आ करते जाएगा हैं, बिल्कुल आएगा है ना। जी बहुत बिल्कुल, बहुत उस बहुत वातावरण में बढ़िया। इस पानी से इस मिट्टी से हमने मिट्टी